हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगरी डीम टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज वेल आप कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे सीट्स भी बहुत ज्यादा है, विच इज मोर देन 189। एज वेल आप विदाउट नेट, गेट, स्लेट या फिर किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के बिना पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, सो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो गुरुकुल कांगरी यहाँ पे इस साल के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई फॉर श्योर आप सभी के डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। दिस इज द वेबसाइट ऑफ गुरुकुल कांगरी हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे देन यहाँ पे देखो एडमिशंस ओपन 23-24 का नोटिफिकेशन आपको नजर आएगा। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद अगेन आपको एक नया विंडो मिल जाएगा। देन जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको पीएचडी एडमिशंस के लिए काफी सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम को ओपन करते हैं। सो इसको ओपन करने के बाद आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अब कर सकते हो जो कि शुरू हो चुका है एंड लास्ट डेट है 30 जून 2023। डेट ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है 30 जुलाई 2023। एप्लीकेशन फीस है 1500 एंड 500 फॉर रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स एंड प्रोसेसिंग फी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग है 1100 विच इज नॉन रिफंडेबल। नाउ स्टूडेंट्स, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ओके, सो लेट अस सी द पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। सो आपकी एंट्रेंस एग्जाम पूरे 100 मार्क्स की रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 50 MCQs पूछे जाएंगे एंड सेक्शन बी इज फॉर मेन सब्जेक्ट, जिसमें आपको 50 questions पूछे जाएंगे। एंड अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% मार्क्स हासिल करने हैं तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर SC ST OBC PWD स्टाफ वार्ड ऑफ GK कैंडिडेट्स। एंड आपको दोनों ही सेक्शंस में 40% मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि सेक्शन ए में 40% मार्क्स एंड सेक्शन बी में 40% मार्क्स। सो जैसे ही आपने देखा कि दोनों ही सेक्शंस में 40% मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य है एंड तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इसका मतलब यह है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है, जिस कोर्स की मदद से आप गारंटीड गुरुकुल कांगरी रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको 50% MCQs ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं एंड दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके गुरुकुल कांगरी रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आप इसमें 400 MCQs कवर कर सकते हैं। सो इसमें हम सभी आपको 1500 से भी ज्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं। एज वेल ऑल ऑफ दिस स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी और इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज, विच आर रियली वेरी लो। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को गारंटीड सिलेक्शन का वादा करती है कि गारंटीड आप गुरुकुल कांगरी रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं, सो बेसिकली इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको रेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स व्हाई ये सारे यूनिट्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर कर रखे हैं। दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड हम लोग आगे की डिटेल्स देखते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेट
एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है. सो सेक्शन ए ये सभी के लिए कॉमन है एंड इट इज बेसिकली कंपलसरी. एंड सेक्शन ए इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. इसमें 5 यूनिट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड एक यूनिट के ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो यूनिट 1 इज फॉर मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च. देन यूनिट 2 इज फॉर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, देन रिसर्च रिपोर्ट. देन यूनिट 3 इज फॉर रीजनिंग. Then unit 4 is for data interpretation and ICT, and unit 5 is for higher education system, governance, policy and administration. So इन सारे units के ऊपर हमने complete course में जितने भी सारे video lectures है and demo lectures है वो cover कर रखे है, जितने भी सारे mock tests है वो भी इन सारे units के ऊपर हमने cover कर रखे है. So the course which I have mentioned you is really very helpful to all of you. आप inquiry कर सकते हो इसके लिए, okay? नाउ यहाँ पे आपको सेक्शन बी के लिए सिलेबाय मेंशन किया है. सो यहाँ पे संस्कृत के लिए सिलेबाय मेंशन किया है एंड बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबाय मेंशन किया है. सो इसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है. आप लिंक पर जाकर अपना अपना सिलेबस देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न सब्जेक्ट, ओके. सो नाउ लेट अस सी द मोर डिटेल्स. सो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि आप कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन. सो यू कैन अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट, जैसे कि संस्कृत, फिलोसॉफी, हिंदी लिटरेचर, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, वैदिक लिटरेचर, इंग्लिश, योगिक साइंस, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस इन फिजिक्स, अप्लाइड साइंस मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, शारदानंद वैदिक शोध एंड ज्योतिर्विज्ञान एंड वैदिक कर्माकंद, ओके. एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स आर हरिद्वार, देहरादून एंड दिल्ली. डेट ऑफ अपलोड ऑफ आंसर की ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट 5th August एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन 16 August एंड डिक्लेरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ रेट एग्जामिनेशन 25th August 2023, ओके. फाइन. सो नाउ लेट अस सी की वैकेंट सीट्स कितने हैं. सो संस्कृत के लिए कुछ भी सीट नहीं है. वैदिक लिटरेचर के लिए 4 सीट्स, फिलोसॉफी के लिए 2 सीट्स, इंग्लिश के लिए 5 सीट्स, हिंदी लिटरेचर के लिए 1 सीट, योगिक साइंस 9 सीट, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के लिए 8 सीट, साइकोलॉजी के लिए 2 सीट्स, मैनेजमेंट के लिए 7 सीट्स, फिजिक्स के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 31, मैथमेटिक्स के लिए 7, कंप्यूटर साइंस 49, जूलॉजी 12, एनवायरमेंटल साइंस 12, बॉटनी 9, माइक्रोबायोलॉजी 9, फिजिकल एजुकेशन 1, अप्लाइड साइंस फिजिक्स 8, अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री 10, अप्लाइड साइंस मैथमेटिक्स 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7, फार्मास्यूटिकल साइंसेस 4, शारदानंद वैदिक शोध 9 सीट्स, इकोनॉमिक्स 9 सीट, ज्योतिर्विज्ञान एंड वैदिक कर्मानंद 3 सीट्स. सो देर आर टोटल 187 सीट्स. नाउ लेट अस सी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. सो आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तभी आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. एंड देर इज 5% रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC, डिफरेंटली एबल्ड एंड EWS एंड स्टाफ वर्ल्ड ऑफ गुरुकुल कांगरी कैंडिडेट्स. अगर आपने बैचलर्स डिग्री क्वालिफाई की है, यू नो 4-year बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 75% मार्क्स, तभी आप डायरेक्टली PhD के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. एंड फॉर दैट एज वेल रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का फॉर SC ST OBC, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, स्टाफ वर्ल्ड ऑफ गुरुकुल कांगरी कैंडिडेट्स. अगर आपने MPhil प्रोग्राम क्वालिफाई किया है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ओके. एंड सभी कैंडिडेट्स को रेट एग्जामिनेशन देना ही है, बट अगर आपने किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को, जैसे कि UGC, CSIR, NET, JRF, NET, GATE, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपने क्वालिफाई किया है, देन आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं है. यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, बट बाकी सभी कैंडिडेट्स को रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही है. नाउ लेट अस सी कि आप कहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो. सो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप सभी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो. सो दिस इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल. So I am opening it. Yes. So सबसे पहले आपको साइन अप करना है एंड साइन अप करने के बाद आप सभी लोग लॉग इन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. एंड लेट अस सी की फीस क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की.
फीस आर वेरी मिनिमम बेसिकली। यस, सो द फीस आर 1500 फॉर द रेट एग्जामिनेशन एंड 500 फॉर द रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। सो नाउ लेट अस सी इन मोर डिटेल अबाउट द कंप्लीट कोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय ग्लोबल ऑनलाइन टीम ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो इस कोर्स की मदद से आप गारंटीड गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ही सकते हो। एंड आपकी एग्जामिनेशन जैसे कि 30 जुलाई को है, सो आप सभी के पास अभी काफी समय है। सो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से स्टडी करके गारंटीड रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड द कोर्स इंक्लूड्स फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अंडर विच थियरी एंड एमसीक्यूज लेक्चर्स आर अवेलेबल। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड दैट्स व्हाई 80% MCQs आपको इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, द कोर्स फीस आर रियली वेरी लेस, विच आर ओनली 699 रुपीज। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को गारंटीड सिलेक्शन का वादा करती है। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम एंड हम सभी लोग आप सभी को स्टेप बाय स्टेप PhD एडमिशन में आप सभी को एक जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो भी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर कर रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स को परचेस करना है, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी कर सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, द कोर्स इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ इन द होल वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी।